नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली रिक्तियां। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में 534 संस्कृत विषय के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास पीजी डिग्री संस्कृत में या फिर आचार्य सब्जेक्ट में बीएड परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इच्छुक औद्योगिक उम्मीदवार 16 फरवरी 2021 से लेकर 3 मार्च 2021 तक इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब स्कूल में 40 वर्ष से अधिक उम्र के रसोइये नहीं मिलेंगे देखने को। शिक्षा विभाग ने हाल ही में स्कूल में तैनात रसोइयों को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत राज्य के प्रारंभिक स्कूल के मध्याह्न भोजन योजना के तहत सिर्फ 18 से 40 साल तक के ही रसोइयों को काम पर रखा जाएगा। इसको लेकर निर्देश मध्याह्न भोजन योजना निदेशक सतीश चंद्र झा ने सभी जिलों को भेज दिया है। इस निर्देश की माने तो सभी जिला के कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस बात का स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत रखे जाने वाले रसोइये की उम्र 18 से 40 साल तक के बीच की होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक सतीश चंद्र ने रसोइयों के चयन को लेकर निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा है कि 60 साल होने के पश्चात भी किसी रसोइये से ऐसे कार्य लिया जाना खेदजनक है। जिला के डीपीओ एमडीएम को जांच कर अनुग्रह अनुदान हेतु निर्धारित सभी दस्तावेजों की गहन समीक्षा करने को कहा गया है। जांच उपरांत जब डीपीओ एडीएम अपने स्तर से संतुष्ट हो लेंगे, इसके बाद ही शपथ पत्र के साथ अनुग्रह अनुदान की मांग करते हुए 28 फरवरी तक निश्चित रूप से हार्ड और सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। विधानसभा चुनाव खर्च में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। बिहार विधानसभा चुनाव में मनमाने तरीके से खर्च और फर्जीवाड़ा किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला तुल पकड़ने लगा है जब लोकसभा चुनाव की तुलना में कई गुना ज्यादा राशि का बिल एजेंसियों ने हाल ही में सौंपा है। इस मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। जानकारों की माने तो अर्धसैनिक बल के जवान जिस जगह पर ठहरे नहीं है वहां भी टेंट पंडाल लगाने का बिल सौंपा गया है। इतना ही नहीं, 10 दोपहिया वाहनों का नंबर बस का बताकर बिल किया गया है। मामला पकड़ में आने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बिल के सत्यापन करने का आदेश जारी किया है। बिहार विधानसभा के चुनाव में पटना जिले में 7,346 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसको लेकर अर्धसैनिक बलों की 215 कंपनियां भी आई हुई थी। इन्हें ठहरने के लिए 400 जगह चिन्हित किए गए थे। यहां हुए खर्च के लिए एजेंसियों ने 42 करोड़ का बिल दिया था, जिसके बाद में ही सत्यापन कमेटी ने इसे घटाकर 31 करोड़ 40 लाख कर दिया। बिहार पंचायत राज एक्ट में जल्द होगा संशोधन। बिहार में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायत राज एक्ट 2006 में संशोधन करने की तैयारी हो रही है। इसका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग में तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद संशोधन विधेयक विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। सदन से पारित होने के बाद यह संशोधन आपका हिस्सा बन जाएगा। वहीं नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया में कई ग्राम पंचायतों का हिस्सा उसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद ही ऐसे प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसका आदेश जिलाधिकारियों को जारी कर दिया गया है। इसी बीच एक्ट में संशोधन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें पंचायतों की आबादी का जिक्र किया रहेगा। विभागीय पदाधिकारी की माने तो एक्ट में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की आबादी 7,000 के करीब होगी। वर्तमान समय में जो भी पंचायतें प्रभावित हुई हैं उनका पुनर्गठन 3,000 की आबादी पर किया जा रहा है, इसी को लेकर संशोधन किया जा रहा है। बिहार में शीत का प्रभाव हुआ कम। बिहार वासियों को अब धीरे धीरे करके ठंड से राहत मिलने लगी है। बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जानकारों की माने तो शीत का प्रभाव कम होते ही तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुबह में उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव कम देखा जा रहा है और यही कारण है कि धूप में अब गर्मी महसूस होने लगी है। पिछले 2 दिनों में सभी शहरों का अधिकतम पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में पूर्णिया में घने कोहरे की स्थिति देखने को मिली है। इसके साथ ही आर्द्रता 98% तक दर्ज की गई है। बाकी शहरों में सुबह से बेहतर धूप दिखी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में गर्मी का प्रभाव लोगों को देखने को मिल सकता है। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मौजूदा पेराई सत्र 2020-21 में गन्ना मूल्य में 5 रुपए क्विंटल की वृद्धि करने की बात कही है। गन्ना मूल्य वृद्धि पर यह सहमति बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुई है। एसोसिएशन के सचिव नरेश भट्ट ने बताया है कि 5 रुपए शुगर मिल संचालक देंगे, जबकि 2 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में सरकार सीधे किसानों के खाते में भेजेगी। गन्ना मंत्री द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया है। गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य में वृद्धि भी कर दी। हालांकि शुगर मिल संचालक कोविड-19 के माहौल में आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए राज्य सरकार से अनुदान की मांग को लेकर लगातार उठाते देखे गए थे। सामान्य एवं उत्तम प्रजातियों के गन्ना के मूल्य में 5 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन के सचिव का कहना है कि पेराई सत्र 2019-20 में सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य मिल द्वारा 290 रुपए प्रति क्विंटल थी, इसे बढ़ाकर 295 रुपए कर दिया गया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान को लेकर कही अहम बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान में हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई घर छूटे नहीं। उन्होंने शहर के कलमबाग चौक के निकट उत्तर बिहार प्रांत कार्यालय में
बीते दिन निधि समर्पण अभियान की समीक्षा करते हुए उक्त बातें कही है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए राशि से अधिक महत्वपूर्ण है कि हर परिवार से जोड़ना। सभी परिवारों से जुड़ने के लिए ही महज 10 और 100 रुपए के कूपन जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अब तक जिन परिवारों तक हम नहीं पहुंच सके हैं उन सभी घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मोहन भागवत ने कहा है कि हमें पर्यावरण रक्षा का व्रत लेना चाहिए, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले स्वयं सेवकों को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। उन्होंने स्वयं सेवकों से पहले खुद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने और पानी की फिजूल खर्ची रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को पौधा लगाना चाहिए, जिनके पास जगह नहीं है वो गमले में पौधा लगाए। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा का हुआ समापन। कोविड-19 के माहौल में बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा का समापन हो गया है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने नया कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज कर लिया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड पहला ऐसा बोर्ड बना है जिसमें कोविड-19 के माहौल में सफलतापूर्वक परीक्षा का संचालन करवा दिया है। 1 फरवरी से शुरू हुई बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 का शनिवार को समापन हुआ। शनिवार के दिन इंटरमीडिएट परीक्षा सिर्फ एक पाली में आयोजित करवाई गई थी। कला वाणिज्य और विज्ञान संकाय के अतिरिक्त विशेष समूह के अंतर्गत भाषा विषयों की परीक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा के आखिरी दिन आयोजित की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस परीक्षा में कुल मिलाकर 13,50,223 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें 7,03,693 छात्रों और 6,46,540 छात्राएं शामिल थी। इतनी ही परीक्षा को कदाचार मुक्त सफलता के साथ आयोजन कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की थी। इसके साथ ही आपको बता दें, पूरे परीक्षा के दौरान 672 परीक्षार्थियों को निष्कासित भी किया गया था। 16 फरवरी से चालू हो जाएगा पटना का अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। पटना के बोरिया में बन रहा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड 16 फरवरी से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। पहले चरण में यहां से गया और जहानाबाद के लिए बसों का परिचालन करवाया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। खबरों की माने तो वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। जहां से जहानाबाद और गया के लिए बस का परिचालन होना है, यह बुडको की तरह ही यात्री सुविधा का विकास किया जाएगा। पूरा बस स्टैंड इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसके एक हिस्से को चालू किया जा रहा है। अभी यहां से पटना गया मेन रोड की तरफ चले बसों को एक समय में लगाए जाने की सुविधा है। यह बस पटना से गया और जहानाबाद दिन में कई बार आ जा सकेंगे। यहां भी शौचालय, पीने का पानी सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, बिजली और पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। इसको लेकर हाल ही में पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बस स्टैंड का जायजा लिया है। उन्होंने अफसरों के साथ वहां हो रहे काम की प्रगति का भी जायजा लिया। कोरोना जांच में आए फर्जीवाड़े के बाद 38 में से 26 जिलों में चल रही है जांच। कोविड-19 जिस समय में चरम पर था, तब पूरा देश कोविड-19 का सामना कर रहा था। इससे पीछा छुड़ाने की हर कोशिश की जा रही थी। इन सबके बीच बिहार में कोविड-19 का सामना करने के लिए तरह तरह के कदम भी उठाए जा रहे थे। हालांकि अब जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस जांच का हवाला दिया जा रहा था वो असल में बड़ा घोटाला था। इस मामले को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार निशाना साधते नजर आ रही है। दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरे बिहार में कोविड-19 से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की 12 टीम अलग अलग जिलों में जाकर जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि 26 जिलों में जांच करवाई जा रही है और अब तक 10 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर तक के लोग शामिल हैं। आपको बता दें, बिहार में कोविड-19 जांच में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी का हाल ही में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की माने तो 16 जनवरी से 18 जनवरी और 25 जनवरी को जमुई जिले के सिकंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल 183 लोगों की जांच हुई, लेकिन जो मोबाइल नंबर दिए गए थे वो गलत थे। बिना परीक्षा के अब अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जा सकते हैं प्राथमिक स्कूल के छात्र। बिहार में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले 1.66 करोड़ बच्चों को इस साल बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा सकता है, जिसको लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही है, जिसके बाद जल्द ही इस पर अपना फैसला सुना सकती है। मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और शिक्षा मंत्री भी इस बात के संकेत दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले साल भी कोविड-19 के कारण छात्रों की परीक्षाएं नहीं ली गई थी। बिना परीक्षा के ही छात्रों को अगले कक्षा में पास कर दिया गया था। शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि 14 मार्च 2020 से बंद माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय करीब 9.5 महीने बाद 9 जनवरी 2021 से खोला जा सकता है, जबकि मध्य विद्यालय 10.5 महीने बाद इसी महीने 8 फरवरी से खुला है। राज्य भर के प्राथमिक स्कूल अभी बंद है, ऐसे में उनकी पूरी पढ़ाई भी नहीं हो सकी है और अब सीधे उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना सही नहीं होगा, जिसके बाद प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को प्रोन्नत करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मध्य विद्यालय के बच्चों की भी परीक्षा देने की एक बड़ी समस्या सिलेबस पूरी कराने की आएगी। अग्रणी ग्रुप की सारी जमीन अब रेरा का होगा कब्जा। पटना में एक आशियाने का सपना देखने वाले सैकड़ों लोगों के साथ गलत करने वाले अग्रणी ग्रुप की अब खैर नहीं है। अग्रणी ग्रुप को अब सबक सिखाने के लिए ग्रुप की सारी जमीन को रेरा ने अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि निवेशकों को आशियाना नहीं देने वाले किसी रियल एस्टेट कंपनी पर रेरा ने इसका दर्शक अंजा कसा है। रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह और सदस्य आरपी सिन्हा की बेंच ने अग्रणी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सभी जमीन को रेरा के कब्जे में लेने का निर्देश जारी कर दिया है। सुनवाई के बाद जमीन के सभी कागजात 17 फरवरी के पहले रेरा में जमा कराने का निर्देश ग्रुप के निदेशक को दे दिया गया है। रेरा बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हर बार के आदेश के बावजूद अग्रणी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संचालक के खरीदारों की पहचान कर
नहीं लौट रहे हैं। संचालक की खरीदारों को पहचान नहीं लौटा रहे हैं। इससे परेशान शिकायतकर्ताओं ने रेरा के समक्ष मामले का शीघ्र समाधान कर उनकी राशि वापस का अनुरोध किया था। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जगदानंद सिंह को एनडीए में शामिल होने का दिया न्योता। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हाल ही में कहा कि परिवारवाद की विचारधारा पर चलने वाली राजद में जगदानंद बाबू लालू परिवार के बाहर के व्यक्ति हैं। इस वजह से वो कई सालों से पार्टी में परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में राजद कार्यालय में तेज प्रताप यादव पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने गुस्से में जगदानंद सिंह को लेकर खूब बयानबाजी की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि आज पार्टी की जो दुर्दशा है उसका कारण जगदानंद सिंह जैसे नेता है, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह का भाजपा में स्वागत करेंगे। जिस तरीके से पार्टी ने उनके साथ बर्ताव किया है, इसके बाद से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सहनशील व्यक्ति जो अब तक ये सब सहते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं उस जाल से निकलकर प्रदेश में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का दौर है उस दौर में शामिल होकर राज्य की बेहतर सेवा करनी चाहिए, राज्य को उनकी जरूरत है। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को किया सावधान। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया के कुल मिलाकर 329 रन बनाए हैं। वहीं अब इंग्लैंड ने भी खेलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद गौतम गंभीर ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने टीम इंडिया को कुछ बल्लेबाजों से सावधान रहने की नसीहत दी है। स्टार स्पोर्ट से बातचीत करते हुए गंभीर ने कहा है कि अगर हम दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज इंग्लैंड के दृष्टिकोण से देखें तो जो रूट और सिम है उन खिलाड़ियों में से नहीं है जो अपना विकेट लेकर जाएंगे। वो कुछ पुजारा जैसे हैं, हालांकि पुजारा के साथ उनकी तुलना सही नहीं है, लेकिन वो उन खिलाड़ियों में है जो गेंदबाज को थकाते हैं। ब्रेकअप की खबर के बीच बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ नजर आई सुष्मिता सेन। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन अपने रिलेशनशिप को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। सुष्मिता सेन काफी लंबे समय से रोहमन शॉल के साथ रिलेशनशिप में है, वहीं फैंस को भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद आती है। लेकिन हाल ही में सुष्मिता के एक पोस्ट के बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनका ब्रेकअप होने जा रहा है, लेकिन इसी बीच फैंस को सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। बीती रात सुष्मिता सेन उनके बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ नजर आए। दोनों साथ में ना सिर्फ काफी खुश दिख रहे थे, बल्कि दोनों ने मीडिया को देखकर कैमरे के सामने पोज भी किया। सुष्मिता और रोहमन की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। तस्वीरों में सुष्मिता सेन काफी खूबसूरत और रोहमन हैंडसम नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में दोनों कलर ट्विनिंग भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्राइमरी स्कूल के छात्रों को बिना परीक्षा दिए अगले क्लास में पास कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें।